चील और स्यारिन की व्रत कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक स्यारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलहो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से स्यारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। स्यारिन भी चीलहो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतियां के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलहो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी स्यारो को भी बताया। फिर चीलहो स्यारो ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। स्यारो और चीलहो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में मगन रही। रात होते ही स्यारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलहो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। स्यारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चीलहो को पता चल गया। उसने स्यारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। स्यारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलहो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। स्यारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलहो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। स्यारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलहो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव्य योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। प्रेम से बोलिए, जीमूतवाहन महाराज की जय हो।